अब बात राहुल गांधी की करते हैं। अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक स्मृति ईरानी के खिलाफ उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि 26 तारीख के बाद कांग्रेस राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है, और इसी को देखते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया है। अमेठी में एक सभा के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि लोगों को रंग बदलते देखा है, लेकिन किसी को परिवार बदलते पहली बार देखा। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहां आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर दो दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना, अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए कि जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज भी की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया।